यदि आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की तकलीफ है तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने आपको सिड्स बाथ यानी गर्म पानी का सिकाई करने के लिए बताया है। तो गर्म पानी की सिकाई कैसे करेंगे, क्या है सिड्स बाथ, कैसे काम करता है, क्या फायदे है और इसे कैसे यूज करना है, इसके बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिए। सिड्स बाथ यानी गर्म गुनगुने पानी की सिकाई, आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा गर्म पानी आपको यूज नहीं करना है, वरना आपको लाल हो सकता है वो टॉयलेट के आजू बाजू का एरिया और आपको तकलीफ बढ़ा भी सकता है। तो हल्का गुनगुना पानी आपको इस्तेमाल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं मना करता हूं क्योंकि प्लेन पानी से आपको जलन और दर्द एकदम कम रहेगी। अगर आप बीटाडीन, पोविडॉन, डेटॉल या फिर सेवलॉन जैसे सॉल्यूशंस यूज करते हैं तो बहुत बार चचराहट और जलन बढ़ जाती है और पेशेंट को दर्द कम होने के बदले पेशेंट को दर्द बढ़ जाता है। अगर आप सिड्स बाथ यूज कर रहे हो तो दो तरीके के सिड्स बाथ रहते हैं। पहला है देसी तरीका, यानी फ्लैट टब में आपको गर्म पानी डालना है और उसमें 5 मिनट बैठना है। दूसरा तरीका है, मार्केट में फ्लैट ट्रेज मिलती है या अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी ऑनलाइन अवेलेबल है कुछ, जो इसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, उसे भी आप यूज कर सकते हैं सिड्स बाथ के लिए। अगर आप सिड्स बाथ कर रहे हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सिड्स बाथ को जो टब है उसको ब्लीचिंग पाउडर से 2 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर और नॉर्मल पानी से उसको अच्छे से धो देना है, जिससे इसमें इन्फेक्शन और जंतु का निराकरण हो जाए। और उसके बाद आपको हल्का गुनगुना पानी 3/4 तक भरना है और उसमें 5 मिनट बैठना है। आपको अगर बहुत ज्यादा जलन और दर्द है, जैसे कि यदि आपने पाइल्स का ऑपरेशन किया, फिशर का ऑपरेशन किया है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा पहले आप सिड्स बाथ करो, जिससे आपको टॉयलेट के जगह पे दर्द एकदम कम हो जाए, मलद्वार की जगह पे एकदम दर्द कम हो जाए। तो फिर क्या होगा, आप जब टॉयलेट में जाओगे यानी आप मोशन पास करोगे तब आपको एकदम दर्द कम रहेगा। और उसके बाद वापस आप 5 मिनट सिकाई करो, क्योंकि अगर आपका ऑपरेशन ताजा हुआ है तो वापस आप 5 मिनट सिकाई करोगे तो आपका दर्द एकदम कम हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप कोई ऑइंटमेंट या ट्यूब या क्रीम यूज कर रहे हो तो लगाने में भी आसानी रहेगी क्योंकि आपका दर्द कम रहेगा। तो ये थी कुछ बेसिक टिप्स एंड जानकारी सिड्स बाथ के बारे में, यानी वार्म वाटर सिड्स बाथ, जो हम सर्जन या फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। वीडियो पसंद पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट इस कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको राइट आंसर देने के लिए। धन्यवाद।